प्यारे साथियों नमस्कार दोस्तों, कल जो फरवरी माह का पेमेंट जारी किया गया उसके बारे में बात करेंगे। प्लस में रोजगार कार्यालय ने एक और नया मैसेज जारी कर दिया है, तो इस मैसेज में आपको किस किस को अपलोड करवाना है SSO MyID के माध्यम से। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये मैसेज जो प्रत्येक माह जारी किया जाता है, तो इसको किस किस को इसको भरना होता है और किस को भरने की आवश्यकता नहीं होती है। तो साथियों इस वीडियो को पूरा देखना, आपको कमेंट्स करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उससे पहले साथियों आप यहां पर देख सकते हो, कल मैंने साथियों ICICI डायरेक्ट ऐप से 5600 रुपये कमाए थे, ठीक है ना। तो आप भी कमाइए, आपका अकाउंट फ्री में बनेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फ़ायदा उठाइए। प्रति फ्रेंड आपको 800 रुपये मिलेंगे, 10 साथियों को शेयर करोगे तो सीधे 8000 हो जाएंगे सीधे अकाउंट में, ठीक है। इस साथियों अपन यहाँ बात करना चाहेंगे फरवरी माह के पेमेंट से पहले ये मैसेज। साथियों आप यह देख सकते हो, इस मैसेज में लिखा हुआ है कि यह SMS के माध्यम से भेजा गया है, ठीक है। जिन अभ्यर्थियों को इंटर्नशिप हेतु कार्यालय का आवंटन हो चुका है किंतु उनके द्वारा आवंटित कार्यालय में ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, ऐसे अभ्यर्थी 3 दिन के भीतर अपनी ज्वाइनिंग देकर उसे SSO ID विभाग के पोर्टल पर अपलोड करें, अन्यथा उनका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा। यानी साथियों ये ज्वाइनिंग लेटर है, जिन साथियों को मार्च माह में इंटर्नशिप डिपार्टमेंट मिला है, जैसे कोई भी स्कूल मिली हो, कोई भी आपको सरकारी दफ्तर मिला हो, तो आप जिस तारीख से ज्वाइनिंग करने के लिए जाते हो इंटर्नशिप, उसी दिन से आपको एक इस प्रकार का एक आपको ज्वाइनिंग लेटर बनवाना है। और आपका जो भी डिपार्टमेंट है उसका जो मुखिया है, जैसे मान लो आप किसी स्कूल में जा रहे तो प्रिंसिपल की मोहर लगवानी है, प्रिंसिपल के साइन करवाने हैं, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर भरने हैं, किस तारीख से आपने ज्वाइन किया है, आपके डिपार्टमेंट का इसको इसमें नाम लिखना है, ठीक है। और ध्यान रखना साथियों, ये सिर्फ लाइफ में आपको ज्वाइनिंग लेटर एक बार ही अपलोड करवाना पड़ता है, ठीक है। जैसे जिन साथियों ने जनवरी में करवाया था तो उसको कभी भी करवाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो इन नए साथी हैं जिनको डिपार्टमेंट मिलेगा, उन्हीं को ही ये ज्वाइनिंग लेटर अपलोड करवाना पड़ेगा। इन साथियों एक और सवाल आता है कि जो इंटर्नशिप प्रमाण पत्र है वो आपको प्रत्येक महीने अपलोड करवाना पड़ता है, क्यों? क्योंकि भाई जब आप इंटर्नशिप प्रमाण पत्र अपलोड करवाओगे तभी तो आपको उस महीने का भत्ता मिलेगा ना, तो आप टेंशन करें नहीं। और ये मैसेज है काफ़ी साथियों के पास आ रहा है, तो आप अपना जल्दी से ज्वाइनिंग लेटर अपलोड करवा दें। यदि आपने करवा दिया है तो आपको टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, आप इस मैसेज को अनदेखा कर दें, ठीक है। और रही बात साथियों पेमेंट की, पेमेंट आपने देख लिया होगा, जोधपुर ज़िले का पेमेंट जारी कर दिया गया है, कुछ ही साथियों का किया है, सभी का नहीं किया है ना। तो मेरा सभी दोस्तों से निवेदन है 181 पर ठोक कर शिकायत करो मेरे प्यारे साथियों, है ना। जल्दी से जल्दी आपका पेमेंट भी होगा, क्योंकि पेमेंट आने में समय नहीं लगेगा, बिल पास होने में साथियों समय लगता है, ठीक है। तो उस 800 रुपये वाले ऐप का फ़ायदा जरूर उठाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से भाग कर अकाउंट बना लीजिए मेरे दोस्तों। जब मैं 5600 कमा रहा हूँ तो आप तो भी कमा सकते हो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।